वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सिम्स। यहाँ पर फुटबॉल प्रीमियर लीग का मैच हो रहा है लिवरपूल वर्सेस लीड्स के बीच एक घंटे 25 मिनट के बाद। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की लिवरपूल और लीड्स के अंदर, भाई जो मैच जो टीम जीतेगी वो है लिवरपूल, और लिवरपूल ने लीड्स को मतलब लंबे मार्जिन से हराया। जब जब भी मैच हुए हैं एक लंबा मार्जिन दिखा है, मतलब 5-0, 6-0। तो मुझे लगता है कि लीड्स अभी भी फॉर्म में है नहीं, और लिवरपूल भी लिटिल बिट आउट ऑफ फॉर्म है, लिटिल बिट बहुत कम। तो मुझे लगता है कि आज एक बढ़िया मौका है लिवरपूल के लिए ये मैच को अपने अंडर करने का। सबसे पहले बात करें मोहम्मद सलाह द ग्रेट ऑप्शन फॉर कैप्टन, जो ज़्यादा उछल रहे थे, जो कह रहे थे कि हम इसे कैप्टन ना रख कर जीतते हैं, उनकी बैंड बच गई यूईएफए लीग के अंदर, क्योंकि कर गया था एक अपना काम कर गया था, इसलिए वो छोड़ दो। मोहम्मद सलाह को अंडर एस्टिमेट मत करो भाई, एक्सपीरियंस है। एक तरफ यंगस्टर खड़ा कर लो, एक तरफ एक्सपीरियंस, हमेशा एक्सपीरियंस जीतेगा, ठीक है ना। आगे से अगर बात करें फिरमिनो की, तो फिरमिनो चल नहीं रहा, ये तो मेरे को भी डिसअपॉइंटेड कर रहा है बहुत टाइम से, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट में इसको वाइस कैप्टन रखा था मैंने 1 अक्टूबर को, मैं बहुत अच्छा जीता। उसके बाद मैंने नेक्स्ट मैच में भी नेक्स्ट मैच में तो खेला नहीं था, चलो छोड़ो, उसके बाद बाकी मैचेस में मैंने बहुत ट्राई किया बट धोखा मिला। वो इसलिए क्योंकि न्यूनेस ठीक हो गया। मैंने एक चीज़ नोटिस की, न्यूनेस की रिकवरी होते ही फिरमिनो फ्लॉप होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि जब न्यूनेस खेलता है तो फॉर्मिनो के चलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और जब न्यूनेस खेल रहा होता है तो न्यूनेस के चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं हर तरफ से बोलूँगा कि न्यूनेस को तो ड्रॉप करना ही मत, अगर मेरी राय मानो। आगे से अगर बात करें तो यहाँ पर है बी आरानसन, तो ब्रेंडन आरानसन, इनका मेरे को बस एक गोल सब बस बढ़िया लगा था चेल्सी के खिलाफ, और वो गोल है, और आज का दिन है वो, मतलब 21 अगस्त जो मैं जीता था उसके बाद ये बंदा मेरे किसी काम नहीं आया। लेता हर मैच में हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि खेलता अच्छा है, हाई सिलेक्टेड रहता है, नुकसान ना हो जाए इसलिए भी ले लेता हूँ कई बार। बाकी प्रेडिक्शन लेवल से अगर देखूँ, एनालिसिस लेवल से देखूँ तो भी लेता हूँ। एंड सिंस तेरा की बात करें तो लुइस को पता नहीं लोग क्यों ड्रॉप करते हैं। कल लोग मुझे बोलेंगे कि हम इसकी जगह हैरिसन को ले लेंगे, तो यार दोस्तों मैं आपको एक बात बोलूँ, हैरिसन ने लास्ट मैच में सिर्फ एक असिस्ट की थी, लेकिन अगर ये चलेगा ना तो ये डायरेक्ट गोल ही करेगा, क्योंकि लुइस का रिकॉर्ड जाकर देख लो। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चुपचाप मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इसका रिकॉर्ड देख लो, आप खुद इस प्लेयर को लेने आओगे। मैं पागल थोड़ा हूँ यार, जो इस बंदे को जो मैं एवर्टन के खिलाफ कैप्टन रख के बैठा था, खुद समझदार हो कि मैंने क्यों रखा था उस दिन, आप समझो। एंड आगे से बात करें इलियोट की, देन हार्वे इलियोट तो चलो लास्ट मैच में अच्छा खेला, लेकिन 22 अक्टूबर के बाद एक यूईएफए लीग में मैच हुआ था बुधवार या वीरवार को, आई थिंक मंगलवार को, मुझे याद नहीं है, इसी हफ्ते, उसके अंदर इलियोट ने गोल किया था, और उस इलियोट के गोल से हमें हमारी कितनी अच्छी रैंकिंग थी, ज़रा सोचो। एंड आगे से अगर बात करें देन यहाँ पर है विर्गिल वैन डिजिक हो गया, टी अलेक्जेंडर अर्नोल्ड, इन सब की वापसी हुई है। अर्नोल्ड तो पूरा फिट है, आई डोंट नो पिछले मैच में क्यों नहीं इसको भेजा प्लेइंग 11 में, हालांकि फिट था ये। एंड आगे से अगर बात करें जुए गोमेस की, देन यहाँ पर लेंगे जोसेफ गोमेस को, जोसेफ गोमेस इज़ ऑल्सो एन एवरेज प्लेयर, लेंगे, ये भी बढ़िया खेलता है। आगे से बात करें स्ट्रूजिक की जगह ले सकते हैं किसको बोलूँ, हैरिसन, हाँ, अगर आपने मिडफील्डर लेना है, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि एडम्स का तो कोई काम है नहीं, एडम्स डिसअपॉइंट ही करेगा आपको हमेशा। आगे से अगर बात करें आई मैस्लियर की, देखते हैं मैस्लियर क्या करता है, क्योंकि मैस्लियर, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मैस्लियर का मतलब कुछ नहीं कर सकता, मतलब मैस्लियर का क्या है, या तो ये गोल्स की रेल लगवा देगा सामने वाली टीम से, या रोकता रहेगा, मतलब ये कुछ अलग ही टाइप का प्लेयर है, छोड़ दो इसका। एंड आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन है मोहम्मद सलाह, वाइस कैप्टन है नूनेस, कॉम्बिनेशन को रिवर्स कर सकते हो, बट अगर नूनेस 2 गोल कर गया तो आप बहुत तगड़ा जीतोगे, क्योंकि अगर आपका नूनेस कैप्टन हुआ, क्योंकि नूनेस, मैं चाहता हूँ कि नूनेस अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि जीएल की बहुत उम्मीदें हैं इस पर, मेरी भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।